नमस्कार, आज मैं अपने वकील भाइयों के लिए एक पेशकश लेके आया हूँ। पेशे से हम वकील हैं, लोगों को देते दलील हैं, तो कुछ बातें लिखी हैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, विच आर कॉमन इन आवर प्रोफेशन। तो इट्स इन अ पोएटिक फॉर्म, आई होप यू ऑल लाइक इट। सो इट गोज एज, सिविल हो क्रिमिनल हो या सर्विस हो, सिविल हो क्रिमिनल हो या सर्विस हो, हर तरह का मैटर करना आम होता है। थैंक्स टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ज्यादा हो थोड़ा हो, हर वकील के पास काम होता है। काला कोट सफेद कमीज पहने, सब ब्लैक एंड व्हाइट करते निकलते हैं। काला कोट सफेद कमीज पहने, सब ब्लैक एंड व्हाइट करते निकलते हैं। वकील है भाई साहब, केस टू केस बेसिस पे जजमेंट साइड करते निकलते हैं। यू नो वी आर एडवोकेट्स एंड बीइंग लॉयर्स, वी आर मेंट टू सोशलाइज। और कुछ रिश्ते तो बड़े कमाल के होते हैं, जैसे कि एडवोकेट और उसके क्लाइंट का रिलेशनशिप। यू नो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फीस गिवन। जितनी ज्यादा फीस उतना गहरा रिश्ता, जितनी ज्यादा फीस उतना गहरा रिश्ता, जो जरूरत से ज्यादा दे जाए वो कुछ पलों के लिए लगता है फरिश्ता। और अगली लाइन आप सब लोग बहुत गौर से सुनिएगा, एक वकील भाई ही समझ सकता है दूसरे वकील भाई का इमोशन। एक वकील भाई ही समझ सकता है दूसरे वकील भाई का इमोशन, जब मैं लॉर्ड्स के ऑर्डर में मिल जाए इंटरिम स्टे और साथ में नोटिस ऑफ मोशन। बट यू नो हमारे प्रोफेशन में कई बार तरह तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, और कई बार परिस्थिति के हिसाब से ना चाहते हुए भी मारनी पड़ती कल्टी है। फिर प्रॉक्सी काउंसिल पेश होता है और कहता है कि आर्गुइंग काउंसिल इन पर्सनल डिफिकल्टी है। फाइलिंग और रजिस्ट्री के भाई बंधुओं से भी बना के रखनी पड़ती अफेक्शन है, कई बार छोटी मोटी बात पे लग जाता ऑब्जेक्शन है। एक वकील के ऑफिस में उसके स्टाफ का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो अगली लाइन उनको समर्पित है कि मुंशी और स्टेनो का भी आपस में बहुत गहरा भाईचारा होता है। हर वकील के दफ्तर को आखिर इन्हीं का तो सहारा होता है। बात ही अलग होती है, बात ही अलग होती है जब मिल जाती है मोहलत करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सप्लाई। आई वुड बी ग्रेटफुल टू माय लॉर्ड्स इफ ही ग्रांट्स मी सम मोर टाइम टू फाइल रिप्लाई। और क्रिमिनल मैटर में तो एंटीसिपेटरी और रेगुलर का खेल है जी, मुकाबला ही नहीं इस बात का जब 302 की हो जाती है बेल है जी। और हमारे प्रोफेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इट्स अ लर्निंग प्रोफेशन, इट्स अ वेरी डायनामिक प्रोफेशन। जैसे कि हिंदी उर्दू पंजाबी की भी करनी पड़ती प्रिपरेशन है, काम है भाई साहब, FIR की करनी पड़ती इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और कुछ भाई बंधु ऐसे भी हैं, और कुछ भाई बंधु ऐसे भी हैं जो जरूरतमंद लोगों का बिना फीस लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को हैट्स ऑफ और हम तहे दिल से सलाम करते हैं। और बहुत बातें हो गई, सो बिफोर आई सबमिट माय नेक्स्ट अवॉर्मेंट आई वुड बी ऑब्लाइज्ड इफ आई एम ग्रांटेड अ शॉर्ट एडजर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, सिलसिला जारी है।